रहता है ना, और बनते बनते बाहर आ जाता है ना, मीन्स कि उसकी इतनी जल्दी डिवेलप होता है, वो उसकी ग्रोथ इतनी तेज हो जाती है, उसमें इतनी शरीर किस्म की खुजली होती है कि उसको आप खुजाते रहें तो उसमें ना मीन्स की ना ब्लीडिंग भी होती है, और फिर साथ में ऊपर से खाल भी उतर जाती है, और वो अंदर से ना मरीज जैसे कि ट्री होता है ना, तो अंदर से वो ना जनरेट होता है, उधर बाहर आता रहता है, मीन्स ट्यूमर से कुछ वो कोई खाल सी है समथिंग ना। और उसकी मैंने ट्रीटमेंट भी कराई थी डॉक्टर से, तो उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट भी की थी, उसको पूरा खत्म कर दिया था, उसकी कटिंग भी की थी, और फिर उसके बाद तो खत्म, मुझे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा था दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। अब फॉरन ही मेरे खास से कोई 2 मंथ्स हुए होंगे, अब दोबारा रीजनरेट हो गया, और फिर वो इसकी दोबारा से ट्यूमर टाइप का सा बन गया, खाल मोटी सी होती है, वो अंदर से बाहर आती है, उससे खुजली होती है, और एक गेट ना सर्कल सा बना हुआ है, नी से बाहर ना पैर के ऊपर ना जो खाल नजर आती है उसके ऊपर एक रेड सा सर्कल बना हुआ है, और एक जगह उसकी ना खुजली होती रहती है, और बहुत लाल सा रहता है वो एरिया जो है ना, और एक एक मिनट ऊपर में बहन, बहन एक मिनट, डॉक्टर साहब कुछ पूछना जी चाहेंगे। इसमें दर्द होता चलने में? जी एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसा लगता है जब मैं कोई नीच से कोई कांटा, भी स्लीपर पहनती हूँ, तो वो जब उसके ऊपर ट्यूमर पे लगता है ना, वो तो ऐसा ट्यूमर लगता है नहीं जैसे कोई, है, कांटा चुभ रहा है इसके, जी लगता है कॉन्स्टिटूशन जैसे कोई पॉइंट। खांस सी होती है ना पैर में, ऐसे सा मालूम होता है। अच्छा, उसका कोई, इसका कलर बिल्कुल सफेद है या उसके अंदर काले काले से डॉट्स से भी नजर आते हैं? नहीं उसमें डॉट्स नहीं काले काले से, उसमें ऐसा है जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, मीन्स के ना खुजली बहुत, वो अजीब सा है कुछ ना उसके अंदर ना, वाइट वाइट से ऊपर पर उभरे हुए हैं, दाने दाने से होते हैं ना उसी वे गोल के ऊपर ना। यही वो चीजें होती हैं जो मैं कहता हूँ कि क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट देख के उसको अच्छा करे। जी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मैं आपको बता जो मैंने अभी तक सर पढ़ा। समझ गए, हाँ मैं समझ हाँ जी गया, बस हम आपको अब ऑनर आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक कॉल, ये आंसर सर हम देते हैं, अब ये वाला सवाल आप याद रखेंगे, टेटनस वाला सवाल आप याद रखेंगे, हम एक और कॉल तीसरी अटेंड कर रहे हैं जी। बार अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है वेरी हेल्दी मॉर्निंग जी, दिस इज डॉक्टर महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद। जी डॉक्टर महमूद कैसे हैं आप? वेरी फाइन जी, और मैं कुछ कमेंट देना चाहता हूँ आपके शो के ऊपर और हाँ जी आपके बिल्कुल चैनल दीजिए, के ऊपर। बिल्कुल दीजिए जी, ओके अच्छे तो बुरे या इट्स वेरी एक्सीलेंट प्रोग्राम एंड वेरी इट्स ऑल एक्सीलेंट राइट, चैनल। यू फ्री टू से एनीथिंग, हाँ जी फरमाइए। तो माय कमेंट इज दिस के इनफैक्ट आई एम फर्स्ट टाइम कॉलिंग इन एनी प्रोग्राम, क्या बात है, थैंक यू सो एंड मच। आई थिंक एज फॉर माय थिंकिंग हेल्थ टीवी एंड योर शो इज अ वन ऑफ वर्ल्ड बेस्ट शो एंड वन ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बेस्ट चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड मैं इसके लिए हेल्थ टीवी की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और इतना अच्छा और इतना प्रोजेक्टिव चैनल स्टार्ट करने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद, और बहुत सारे मेरी लोग दुआ है कि अल्लाह आपके चैनल को और आपके शो को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। अच्छा जी कुछ और कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब को सलाम करता हूँ और इनसे एक जनरल सा सवाल पूछता हूँ, पूछिए कुछ कॉमन सी सेफ्टी प्रिकॉशन बता दें इन्वायरमेंटल वाइसेज के बारे में। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सागे सर। अच्छा जी, अच्छा पहले पहले मैम टेटनस प्लीज, टेटनस वैसे टेटनस जो है ना वो एक बैक्टीरिया, इट्स नॉट अ वायरस, लेकिन वायरस बट वो यही परेशान थे कि बच्चों को खेलते कूदते शीशे और इन चीजों से चोटें लग जाती है, तो हर बार इंजेक्शन लगवा कर। नहीं नहीं देखिए, एक तो बच्चों की अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन होती है ना जो महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे लगता है, फिर उसका एक बूस्टर जो डीपीटी होता है, डीपीटी होता है, उसमें टेटनस का भी वो होता है, टॉक्साइड जो होता है ना, तो वो बच्चे इम्यून होते हैं उससे, तो उनकी अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसलिए उसमें इसीलिए लगाए जाते हैं कि भाई बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उनको कोई उसका हार्म ना हो उनसे कोई। अच्छा मैम ये तो बहुत हाँ, ही यंग एज में लगते हैं, मतलब इन अ सेंस कि व्हेन अ बेबी इज बॉर्न से लेके दो साल के अंदर तक ये डीपीटी की यानी डिफ्थेरिया पेट्रोसिस एंड टेटनस ये जो जी, तीन के कॉम्बिनेशन लगता है, उसके बाद तो नहीं होता, उसके बाद 2 इयर्स से बूस्टर डोज लगता है उसका, 2 इयर्स के बाद बूस्टर डोज लगता है, उसके बाद फिर कहते हैं कि आप जो है ना अगर आप every 5 ईयर अगर आप लगवा लें उसको तो आप उससे महफूज रहते हैं। अच्छा बड़ों में भी ये होता है जैसे कि अगर किसी को लगता है कि टेटनस की उसको इम्यूनाइजेशन चाहिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग क्या करते हैं एक दफ़ा लगवाते हैं इंजेक्शन और उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर कोई स्लिप हुआ बाइक से उसका फिर एक लाख, उसका प्रोटोकॉल है उसका ये है कि आप फर्स्ट आपने लगाई डोज, उसके बाद 4 वीक्स पे आप सेकेंड डोज लगाएं और उसके बाद 6 मंथ्स पे आप लगा लें, फिर अगर आप every 5 ईयर लगाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन 0 1 6 हेपेटाइटिस बी जैसा 0 1 6। अच्छा जी तो इसके मतलब 0 1 6 के बाद ये सेफ फॉर 5 ईयर्स, हाँ या
डेफिनेटली ठीक है, मैं बार बार की जरूरत है, लेकिन ये बच्चों को चोटें तो घर में लग रही हैं, कोई बाहर सड़क पे थोड़ी लग रही हैं। हाँ, इसमें बस ये है कि देखिए एरिया भी तो मैटर करता है, एरिया भी मैटर करता है, और फिर ये है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की अपनी अगर इम्यूनिटी कम हो गई, यानी ये तो एक प्रोटोकॉल है और इस तरह होता है, लेकिन समटाइम्स सब चीजें वैसी नहीं होती जैसी किताबों में लिखी गई हैं या जैसी एक्सपीरियंस में, समटाइम्स कुछ और भी हो जाता है, किताब नहीं आते। तो उसमें ये है कि अगर उसकी खुद की इम्यूनिटी कम है, जैसे मैंने कहा कि वो उसकी न्यूट्रिशन डाइट जनरल हेल्थ अगर नहीं है, तो उसको कभी भी कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा हो सकता है, हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये जो है ना, मेरा ख्याल से जो है इनको प्लांटर वार्ट है, पैर के अंदर ना दो तरह के वार्ट्स होते हैं, वायरल वार्ट्स, ये भी एक वायरस की किस्म होती है, हाथों के अंदर होते हैं तो ये पाल्मर वार्ट्स कहलाते हैं, और पैर के अंदर होते हैं प्लांटर वार्ट्स कहलाता है। ये दो चीजें होती हैं, या तो प्लांटर वार्ट है इनके पैर में या कॉर्न है। अब वही वाली बात है कि जब तक देखेंगे नहीं तो डायग्नोज नहीं कर सकते। वो ये क्या कह रही है कि अंदर से निकलेगा, हाँ हाँ, वो मतलब जो उनकी अपनी जो भी कोई टर्मिनोलॉजी है, जाहिर है वो उनको तो नहीं पता कि ये क्या है, वो भी स्ट्रेटम कॉर्नियम जो मतलब दिल की ऊपरी तह है, ये अंदर मेसोडर्म तो बात कर रही थी, वो एक्टोडर्म एंडोडर्म बोला था उन्होंने, तो खैर जो भी कहा, लेकिन उसका ये है कि ये अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट करता है ना, तो ये मतलब ये होता है प्रेशर, कॉर्न होगा तो प्रेशर एरियाज पे होगा, जैसे हील के ऊपर हो गया या डिजिट्स के जहाँ जहाँ पर पैर रखते हैं, हाँ जहाँ पर जगह है प्रेशर की, उन जगहों पे पैर में निकलेगा वो, और उसका जब तक के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो नहीं मतलब वो हो सकता। अब ये है कि उसको देखा जाए कि ये या तो कॉर्न है या वार्ट है, वायरल वार्ट, दोनों चीज़ों का वैसे ज़्यादातर जो होता है ट्रीटमेंट इज़ द सेम। अगर उन्होंने निकलवाया है, पता नहीं मतलब मैंने मुझे नहीं पता कि वो कह रही है कि लेज़र से निकलवाया फिर दोबारा से हो गया, तो बेहतर ये कि ये प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, डायग्नोस कराएं। अच्छा दूसरा, ये वार्ड और इसमें इतनी इचिंग नहीं होती जो ये एक चीज़ बता रही ना कि इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये देखे बगैर मैं नहीं समझता कि इनको कोई भी किसी किस्म की भी एडवाइस की जाए। हाँ एक एडवाइस ज़रूर कर सकता हूँ मैं, वो जनरल ये कि अपने पैर के जब जूते के अंदर जब चलने लगे तो कोई फोम वगैरह रखें या कॉटन वगैरह रखें, कुछ भी जो सॉफ्ट सॉफ्ट रहे ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े, तो जो उनको ये तकलीफ होती है ना चलने के दौरान, वो कहते हैं कि कोई फांस से चुप गई या कांटा सा चुप गया, वो बस जो है वो रुक जाएगी, अदरवाइज उसके ऊपर तो जरा सा ही प्रेशर आता है, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, तो वो तो पांव आपसे जमीन पे नहीं रखा जाता, बिल्कुल अब यूं यूं करके अपनी हील्स पे चल रहे होते हो कि वो आगे बिल्कुल बिल्कुल वो कॉर्न होता है अगर उसके अंदर ये हो जाए, तो ये वार्ट है या कॉर्न है, यानी कि जो बगैर देखे हुए मतलब वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि ये प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, डायग्नोस कराएं और फिर ट्रीटमेंट कराएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब वो जो मैं लास्ट कॉल आई थी एनवायरमेंटल वार्ड्स का पूछा था, वो बहुत अच्छा सवाल किया था कि एनवायरमेंटल में, इसमें सबसे पहले तो ये कि ये जो होती हैं मतलब इस तरह की वायरल इन्फेक्शन स्किन की, खुशन मैं मीजल्स और उसकी बात करूंगा चिकन पॉक्स की, तो ये दरअसल बहुत तेज़ी से फैलते हैं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चे को बहुत तेज़ी से लगता है, तो सबसे पहले काम ये कि ये स्कूल वालों को जो है ना, टीचर्स को जो है वो होना चाहिए कि ज़रा से ही बच्चे को देखें तो फौरी तौर पर जो है उसको उसके घर भिजवा दें, वजह यह है कि वो पूरी क्लास में पूरे मतलब जितने ये बच्चे हैं या स्कूल के दूसरों को भी जो है, कैसे निकलते हैं ये, सबसे पहले तो इसमें जो होता है ना, अगर मीजल्स की बात करेंगे तो खसरा की बात करें, खसरा जैसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पहले बुखार चढ़ता है, आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, खांसी, हाँ खांसी होती है, उसके बाद जो है जिस्म पर लाल लाल से रैश आना शुरू हो जाते हैं, फेस से शुरू होते हैं, फिर उस पर जाते हैं चेस्ट पे और फिर नीचे की तरफ मतलब हो जाते हैं, तो जब बच्चे में इस तरह की अलामतें वो महसूस करते हैं स्कूलों में जो बच्चा आता है, तो फौरी तौर पर आइसोलेट कर दें, सही है ना, सबसे पहला तो काम यह करें। इसी तरीके से चिकन पॉक्स का भी यही होता है कि बच्चे को चिकन पॉक्स में इतना आमतौर पर जो है वो बुखार वगैरह तो थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो होता है ना साफ नजर आ रहे होते हैं दाने, सही, तो जैसे ही वो नजर आए एक दो दाने ही नजर आए तो उसे फौरी तौर पर छुट्टी दे दें और कहें कि जब आप सही हो जाएं तब आएं, जब इंसिस्ट ना करें कि आज स्कूल क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए, परसों क्यों नहीं आए, तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। चले अच्छा सर, वो टाइम जो है ना वो बिल्कुल ना खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया मैम, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, मुझे ऐसे मजलूमों की तरह थैंक यू करना पड़ रहा है ना, क्योंकि कभी होता है कि बात लगता है खत्म नहीं है, टाइम खत्म हो गया, क्या किया जा सकता है जी, शो का टाइम खत्म नहीं हुआ जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हमारे पास बेस्ट फाइव का सेगमेंट है, आप कहीं नहीं जाएंगे, विल बी राइट बैक।